क्या हुआ? प्रीता, तेरे बाबूजी तेरे लिए बहुत कुछ लेने गए हैं, अभी आ जाएंगे। हाँ अभी आते ही होंगे बेटा। आज तेरा जन्मदिन है ना? देख, तेरे बाबूजी तेरे लिए नए कपड़े लाएंगे, खिलौने लाएंगे, मिठाई लाएंगे, फिर हमारा मुन्ना मिठाई खाएगा, खाकर मजेदार होगा। और मेहनत का ईमानदार के लगा भी लगा भी लगा एक तीन महीने लगा हम लगा धरमदास भाई, तुम अपना मुंह छुपाता है, चाल बदलता है, खुदा का कसम आम आदमी को सूंघ के पहचानता है। ठीक है लाला, अब तुम्हारे कान में क्या बोलूं? हमने कोई गुनाह किया जो तुमको रुपया दिया है? न तुम सूद देता है, न असल देता है। निकालो हमारा 200 रुपया, निकालो। क्या करूं लाला, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कोई कमी भी नहीं लाला। 6 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मिलती नहीं है, 6 महीने से बेकार हूँ लाला। थोड़े से पैसे और दे तो सारे एक साथ में चुका दूंगा लाला। कुछ कहता हूँ, घर में खाने को कुछ नहीं। और बंद करो अपना मुसीबत नामा, तुम लाला को पिघला कर और पैसा लेना मांगते। रहने की कोई बात नहीं लाला, का कसम धर्मदास, तुम पैसा नहीं मिलेगा। तुम्हारा शराफत के वास्ते चुप है, तुम्हारा जगह कोई दूसरा होता ना, जाओ जाओ हमारा पैसे का बंदोबस्त करो। दफ्तर चावल लिख लिए, सरकार बना है और चाचर घी भी। हाँ सरकार, चाचर घी, सरकार घी बड़ा बढ़िया आया हुआ है दुकान पे। कहो तो घर पे पीते का पीपे भिजवा दी, भेज दो। अरे सरकार पंप पे पैसा पड़ा हुआ है, जब चाहे भिजवा देना। मध्य आसामी राम 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 राम। धर्मदास तुम मुझसे उधार मत मांगना, मैंने आज तो उधार देना बंद कर दिया है। अरे ढोंडू, पेट के घर जीता पीता पहुंचा दे, ठीक है ना? अब क्या है धर्मदास जी? हाँ, एक मुट्ठी चावल दे दो तुम, है मेरे बेटे का पेट भर जाएगा। चावल ले 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 लाला, शुक्रिया। मेरे बच्चों का पेट भरते भरते हमें अपने बच्चों को भूखा मार दो। बदतमीजी क्यों कह रहा हूँ? मैं तुमसे भीख तो नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुमसे उधार मांग रहा हूँ। तो भीख मांगने में और उधार मांगने में कितना फर्क है ये मुझे बतला दे। ये है लाला। अरे भाई तुम तो फर्जदारी में उतर आए। अरे भैया किसी दयालू का घर देखो, तुम जाओ जाओ, मैं यहाँ कमाने बैठा हूँ, गवाने में जाओ, हवाने दो, जाओ जाओ। ये क्या पागलों की तरह चल रहे थे? अभी मोटर के नीचे आकर मर जाते तो? मर जाता तो अच्छा था। क्या बोल रहे तुम? क्या करो भाई, बेकारी और बच्चे के बीच में पागल कर दिया। बेकार और तुम क्या मानो? तुम्हें नौकरी चाहिए ना, कहा नौकरी दिलाता किस्मत कर तुम मुझसे मजाक करने करेगी अंदाज। किस्मत तुम्हारे साथ मजाक कर सकती है मगर मैं नहीं कर सकती। तुम आओ तो सही, आओ तो सही ना। आओ आओ, घबराओ नहीं। आप लक्ष्मीदास और ये है धर्मदास, सिट डाउन। बैठी बैठी आदत छूट गई है। मनोहर लाल ने आपकी ईमानदारी की बहुत तारीफ की है, हमें आप जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। मुझे भी काम की सख्त जरूरत है, लेकिन हमारा काम काफी मुश्किल है। मुश्किल क्या है, जरा सा चुकन्ना रहना पड़ता है। हाँ, मेरा भी यही मतलब है। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करूंगा। अब मुझे यकीन है, तनख्वाह क्या लोगे? तनख्वाह क्या लोगे? 1000 रुपये महीना काफी होगा। 1000 रुपया? 1000 रुपये तो बहुत है। हाँ भाई, आदमी ईमानदार जब रह सकता है जब उसका पेट भरा हुआ हो। ठीक है, हमारे काम में आंख चूकते ही लाखों रुपए का हेरफेर हो जाता है। नहीं, तुम्हें के सौ आदमी के साथ अकेले शतरंज खेलनी पड़ेगी। खेल लूंगा, आप किसी बात की फिक्र न करें। शायद ये काम उनसे न हो सकेगा। काम नहीं कर सकेगा, ऐसा ना कहिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको किसी बात की शिकायत नहीं होगी। हाँ हाँ, मुझे यकीन है। आज से आप नौकर हो गए। शुक्रिया। आपको कुछ रुपयों की जरूरत तो होगी? ये लीजिए 1000 रुपए और अपने जरा कपड़े वपड़े और मनोहर लाल आपको सब काम दिखा देंगे। मैं सब काम दिखाई देता हूँ, आओ आओ धर्मदास।
ये है हमारा कारोबार। यहाँ हर मेज पर हमारे रिश्ते का रुपया रखा हुआ और हर आदमी खिलाड़ी का मार लेना चाहता है। मैं तुम्हें कैसी तस्वीर दिखाऊंगा कि सारा माल हमारा हो जाए, ताकि हमारे रिश्ते का कोई भी रुपया और दुर्द न कर सके। इसी के तुम्हें विचार बोलो राज, तो ये हाँ है फिर इसके तो बुरा काम है। इसकी क्या बुराई है? एक हारता जीत है, इसमें तो किस्मत की बात है। जिसे तुम किस्मत कहते हो उसे मैं बुरा समझता हूँ। अच्छे ढंग से कोई गलत नहीं कमा सकता और गलत के बिना जिंदगी तो अधूरी जाती है। अरे भाई तुम अच्छे बुरे के चक्कर में कहाँ पड़ गए, तुम जिंदगी का मजा लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर लाल, ये काम मैं नहीं करूंगा। बात मुझे तुम्हारे घर में तो खाने तक कोई नहीं, मुस्लिम तोड़ के पेट भरना मेरे की मेरे माफ करना। 2000 तो महीने तक भी दे सकता हूं। मनोहर लाल तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो? करीब 500 रुपए। धन्यवाद लो। नहीं मनोहर माफ कीजिए, हम भी अपने उसे नहीं तोड़ सकते। सॉरी कोई बात नहीं, बेचारा पुराने हस्तियों का शिकार है। वो वापस आएगा मनोहर? वो नहीं आएगा। जरूर आएगा। तुम लेकर आओगी क्या? उसकी मजबूरी उसे लाएगी। 1000 रुपया मकान की पगड़ी मिलती है, 600 रुपया मकान के किराए का हो गया है तुम्हारे तरफ। आखिर कोई कहाँ तक सब्र करे? कुछ दिन और ठहर जा। क्या मेरे बाप का मकान है कि मैं ठहर जाऊँ? मैं तो मुंशी हूँ मुंशी, मालिक रोज मुझे फटकारता है। अब कल से मैं नहीं आऊंगा, कुर्सी आएगी कुर्सी। हाँ ए मुंशी जी, कहा सिटी सिटी लेक्चर झाड़ गए हो? अरे बाबूजी नौकरी ढूंढा था, मिल गई है, दे दिए किराया। अरे भैया अच्छी खासी नौकरी थी, ईमानदारी के खातिर छोड़ती। भला ईमानदारी से आजकल किसी का पेट भरता है? यानी तुम ही कहो। तुम कल आकर अपने पैसे ले जाना। कल? हाँ हाँ कल। तुमसे जाना तो बीवी जी का भाव झूठ नहीं बोलती। चलो जा भैया जी, तुम भी कला का पैसे ले जाना। अरे कोई बात करो तो दीदी, हम तुमसे कहो पैसा मांगे रहे। जाओ जाओ बर्तन ले आओ, ले लो दूध जस्ते के लिए। दीदी जी हम कहीं तो बर्तन ले जाओ। प्रभु नाथ कहा है तुम्हारी लीला? अरे गरीब को गर्दन गरीब के हाथ से कटावत हो। कौनो बात को फिकिर जिन करो दीदी जी, भगवान के दरबार में देर है या नेर नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप कब आए? जो मांगने वाले तकाजा कर रहे हैं। अब चिंता नहीं करिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? आज यूं भी आने से कि अपने घर में चोरों की तरह छुप के आना पड़ रहा है। मुंशी ठीक ही कह रहा था, इस जमाने में ईमानदारी से कोई जिंदा नहीं रह सकता। इससे तो अच्छा था कि मैं वो नौकरी कर लेता। नौकरी? आपको नौकरी मिलती थी और आपने नहीं की? हाँ। तुमको बुरी नौकरी थी? बेईमाने की नौकरी थी। अच्छा क्या आपने क्या अच्छा किया? सुबह से शाम नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, कर्जा मांगता हूँ तो कोई कर्जा नहीं देता, दरवाजे पर कर्जदार खड़े हुए हैं। ये सब तो ठीक है क्या, लेकिन लेकिन ये बच्चे की भूख मुझसे बस इतने नहीं खाते। मुझे तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। भगवान कहाँ है तुम्हारा भगवान जिसने आज तुम्हारे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया? मुझे? हाँ तुमने मुझसे तो वादा नहीं कि कला कर पैसे ले जाना, कहाँ चला कर दूंगी? क्या भगवान नीचे उतर जाएगा पैसे देने के लिए? हाँ, आप ला कर देंगे। और कहाँ चला कर देंगे? इस दुख में तुम्हें मजाक क्यों चला? ये लीजिए, तुम चीज़ी के अखला तुम इसे देख लीजिए। अखला
तुम चाहती हो कि अपने हाथों से मैं तुम्हारा सुहाग भेज दूं? मेरा सुहाग तो आपके साथ है, मैं चोरी नहीं हूँ। अच्छा, 2000 का कर्जा है इसमें? कम से कम 500 रुपये तो मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े सबको दे देंगे, बाकी की थोड़ी मेहनत मिल जाएगी। अच्छा मुन्नू भगवान की परीक्षा है। हाँ। तब मुन्ने को दूध कहाँ से पिलाओगी? माँ भूख लगी है। फिर क्या बोलते अभी रामू की माँ आती होगी, फिर मैं तुझे मिठाई लाकर खिलाऊंगी। रामू की माँ मिठाई ला रही? हाँ, मैंने उसके कमरे से कर रखी, अभी वो डेरी से लेकर आई थी। अकेला माँ रामू की माँ आ गई। हाँ बेटे, आ गई। आ बहन, कॉलेज लंबा रखने को कहा था, तुम ठीक करके रखो, मैं कल ले जाऊंगी। कल? हाँ। अच्छा, मैं चलूं। माँ, रामू की माँ मिठाई नहीं लाई? क्यों? देखी है ना? तो क्या हुआ? अभी तो देख लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारा भगवान की ये मर्जी है तो ये भी इसमें मैल का कोट बहुत। आप इनसे को कितना देंगे? 400 ये नहीं। सेठ जी, मुझे 500 की जरूरत है। अरे साहब, आज 400 में काम चला लीजिए। क्या फायदा सेठ जी, मैं अपनी इज्जत भी बेच लूं और मेरा काम भी ना बने। अच्छा साहब, तो फिर आपकी मर्जी, और कहीं जाइए। जरा देखो, देखो। अच्छा साहब, आपकी इज्जत के लिए 50 रुपया और दे देता हूँ। सर जी, मैंने आपसे कहा ना, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। अरे साहब, इस जमाने में इज्जत के लिए 100 रुपए कौन देगा? दे दीजिए मुझे मेरा सामान। अच्छा साहब, 500 तो 500 ही सही। ये लो, 1, 2, 3, 4, ये लो 5। अब तो खुश हो? हाँ, गिन लीजिए, गिन लीजिए। खुश हो जयराम जी? धर्मदास, तुम्हारा ईमानदारी के वास्ते 2 बरस की कीमत। अब हम 1 मिनट चुप नहीं रहेंगे। लाओ हमारा लाला, थोड़े दिन और ठहर जाते तो बड़ी मेहरबानी होती, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाए। और तुम्हारे घर को देखेगा कि हम अपने घर को देखेगा? तुम्हारा घर बर्बाद होता तो जाने दो। लाओ हमारा लाला, पर जो 500 रुपए है ये रो आम देखता है। पठान को दूसरे का पैसा नहीं मांगता। ओके, सलाम अलैकुम। तेरे बाबू जी तेरे लिए बहुत खुश लेने गए हैं, अभी आ जाएंगे। अभी आते ही होंगे बेटा। 1000 रुपए मकान की पगड़ी मिलती है, 600 रुपए मकान की किराए का हो गया है तुम्हारे तरफ। आखिर कोई कहाँ तक सब्र करे? चलो लगाओ, 1 का 3 मिलेगा, जो लगाएगा वो पाएगा। तकदीर मार माओ बाबू, लगाओ। नंबर 4 लगाओ, चक्कर चलता है। 5, 7, 5 4 ले आओ माल। लगाओ 1 का 3, जो लगाएगा वो पाएगा। अगर बाल बच्चों को सुखी रखना तो माल कमा लो। लगाओ बाबू, लगाओ लगाओ। चाय वाले बाबू, तुम नहीं दीवारी मालूम करते हो, रुपए लेकर घर चले जाओ। इस बुड्ढे की बातों में मत आओ। लगाओ भाई, लगता दे रहा है। लगाओगे तो माल पाओगे बाबू, नहीं तो कैसे माल कमाओगे? लगाओ ना, 1 का 4 दूंगा भाव। 4 मैं इसी तरह जीत कर यहाँ फंसा हूँ, युवा किसी का नहीं है। घर चले जाओ। किस्मत पलटी तो पासा भी पलट गया बाबू। लगाओ और लगाओ। अब कुछ नहीं, कुछ नहीं है तो जगह खाली करो। तो माँ इधर क्या देखता है? चल हट।
अपनी देह लगा दी, फिर तो घबरा गई थी। मेरा देह भी क्योंकि मुन्ना सो गया। हाँ। नहीं ये मुन्ना भूखे सो गया बेचारा। क्या हुआ? आज इसका जन्मदिन है, अकेला स्त्री ने मिठाई और खिलौने लाए। कोई बात नहीं, सुबह खा लेगा। अच्छा ये मैं इसके पास रख देता हूँ। ये ओहो तुमसे कहने ही भूल गया मैं, मुझे नौकरी मिल रही है। नौकरी? हाँ इसे उठाओ ना। सुनिए कभी वो सुबह वाली नौकरी तो नहीं कर ली आपने? नहीं सुबह वाली नौकरी करनी होती तो इसी वक्त मैं कर लेता। मुझे तो एक एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी मिल गई है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या मतलब? इसका मतलब है कि माल इधर से आता है और इधर से जाता है। और एक बात क्या, अकेला तुम्हारे भगवान कितने अच्छे हैं, उन्होंने आज मेरी इज्जत बचा ली। अरे तुम्हें कैसे ले जाओ, ऑफिस में बच्चे थोड़ी जाते हैं। चलो तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम चॉकलेट खरीद लेना। आप प्लीज कितने पैसे देते हैं? क्या हुआ चला, तुम्हारे भगवान ने बहुत दिए हैं बेटा, और ले लो। हम मम्मी को मत देना है। वेरी गुड। कितनी खूबसूरत छोटी सी है, जैसे नई दुल्हन है ना। राजा की मोटर आ गया, अच्छी है ना मोटर? अच्छी है बाबू। हाँ ये लो प्रसाद लो प्रसाद। बात कर, मैं तो नई चीज लाता हूँ तो तुम खुश नहीं होती? आप गृहस्थी की चीजें नहीं और फालतू चीजें खा लाते हैं। फालतू? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, ऐसी चीजें ईमानदार की कमाई से नहीं आ सकती। तुम गलत समझ रही हो अचला, ये मेरी कमाई की नहीं है, ये तो एक मेरे मालिक ने मुझे दी है, मैं उनका काम करता हूँ ना। अच्छा, आपके मालिक बहुत अच्छे मालूम होते हैं, भगवान उनको और भी तरक्की दें। आओ बेटा आओ बेटा आओ बेटा। मैं बेटा मुझे काम है। ले जाइए मेरे से। फिर मैं ऑफिस में काम करूंगा, तुम क्या करोगे? वो डॉक्टर आपका काम देखेगा। नहीं नहीं मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ये लो बेटा। अब भी इसी तरह पैसे देकर बिगाड़ते हैं। अच्छा अभी से लक्ष्मी को पहचानेगा तो बड़ा होकर सुखी होगा। आज इसका जन्मदिन है, इसे ऐश करने दो। जाओ बेटा। क्या सभी से पैसे से मिलते हैं? अच्छा मैं इसे दुनिया की हर नेमत देना चाहता हूँ, और आज इसका जन्मदिन है, इसे रुलाना मत, इसकी इसकी छुट्टी दिलवा दो। इसका जन्मदिन मैं बड़ी धूमधाम मनाना चाहता हूँ। मुझे पहले तो हमने इसका जन्मदिन का दिन मनाया। पहले हमारे पास पैसे कहाँ थे? जो कुछ कर रहा हूँ इसी के लिए कर रहा हूँ, मुमकिन है इसी की किस्मत का आता हो, और ले लेकर एक ही तो बच्चा अपना। ये आपको कैसे मानू? झूठ। अरे थे धर्मदास जी आप? अरे भैया दर हाथ ना। कहा गरीब बनिए की दुकान और कहा थी धर्मदास। आइए आइए सरकार, आपने क्यों तकलीफ की? सरकार अपने घर के किसी कुत्ते को भेज दी थे, मैं हाजिर हो जाता। कुत्ता तो घर में नहीं है लाला, और सबसे बढ़िया चावल है। बढ़िया से बढ़िया, पर सरकार ये आपके मतलब से नहीं देता। हाँ इससे बढ़िया चावल है तुम्हारे पास? हाँ वो सरकार है। अरे ढोंडू सरकार को बासमती दिखा दे रहा है उनकी। सरकार क्या चावल है, देखती का ढकना इस मोहल्ले में खोलो और खुशबू उस मोहल्ले में जाके सुन लो। सरकार लीची बोरी रह गई घर से भिजवा दू लाला है? उधार दोगे? जी सरकार क्यों शर्मिंदा करते हैं, आपका रुपया तो बैंक में पड़ा हुआ। जी सरकार मेरे जूते का पॉलिश खराब कर दिया तुमने। सरकार मुझे क्षमा कीजिए, मैं साफ किए देता हूँ। ले लीजिए सरकार।
लाला जी सरकार, आज तो बड़े मेहरबान नजर आ रहे हो। जी सरकार, आप पर तो कितना मेहरबान हो रही है, हम तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। अरे भाई इधर कहाँ चले आ रहे हो, आज उधार उधार नहीं मिलेगा? उधार करना होगा तो अपने पेट से करूंगा लाला, तेरे साथ क्यों करूंगा। ये ले, दो पैसे के मूंग और एक आने के खिचड़ी के चावल दे। अरे भाई, छह पैसे में तू अपना पेट भी भरेगा और अपनी बच्ची का भी। हाँ भरूंगा, पेट हमारा है या तुम्हारा? अरे क्यों दुखी हो रहा है? देखिए बाबू जी, मैंने इससे हजार बार कहा कि भाई तू मेरे यहाँ खाता लिखने की नौकरी कर ले, सरकार वो इनकम टैक्स वाले बड़ा परेशान करते हैं, तनख्वाह भी अच्छी दूंगा, पर ये है कि फिर ही नहीं मिलाता। फिर वही बात लाला, फिर तेरे यहाँ खाता कौन लिखेगा? ईमानदारी बेच कर कौन नौकरी कर सकता? सुन लीजिए, ये है राजा हरिश्चंद्र। कौन है? मास्टर है, अजीब फजूल के काम करता है, पैसा कमाने की बात ही नहीं सोचता। लाला पैसे से काम का क्या बात है, काम करना तो मेरा काम है और पैसा आता है किस्मत। लेकिन मास्टर जी, किस्मत तो आदमी बदल सकता है। जी हाँ, कोई जुए से किस्मत बदलता है, कोई लाख आदमी दुखी होते हैं तब जाकर कोई मालदार बनता है। भाई तू मास्टर नहीं, लीडर है, लीडर भाषण बहुत देता है। मत सुन सच्ची बात, ला मेरे खिचड़ी के चावल और तू खा देहरादून की बासमती, तेरा भी पेट भरेगा और मेरा भी। दादा रुपया न तू खा सकता है और न मैं, और जबान का चस्का तो जरा देर की बात है कि हलक से उतरी तो क्या हलवा क्या दाल। क्यों बाबू जी, ये भी सच है ना? सच है मास्टर जी। आप मेरे लड़के को पढ़ाएंगे जी? अभी पढ़ाना तो मेरा फर्ज है। क्या तनख्वाह लेंगे? तनख्वाह फर्ज पूरा करने की कोई तनख्वाह नहीं, पढ़ाना मेरा काम है, पैसा देना उसे। चलिए चलिए, उल्टी शिक्षा मत देना मास्टर जी बच्चे को, संसार की शिक्षा देना। क्या हुआ मुन्नी? काकी ने मारा। काकी ने मारा? काकी क्यों तो मारा? मारूंगी नहीं तो क्या प्यार करूंगी, जुआ खेल रहा था। जुआ? क्यों मुन्नी, तू जुआ खेल रहा था? सच बता, तो जुआ खेल रहा था? हाँ हाँ, किसने तुझे सिखाया, किसने तुझे सिखाया? इसे तू मारती हो बहन, जो देखेगा वही तो करेगा, बाप पर ही तो बेटा जाता है। काकी नाराज क्यों होती हो बहन? परसों ही तो तेरे पति को मेरे भाई ने घोड़दौड़ में देखा था। हाँ हाँ, घोड़दौड़ में मेरे पति को? नहीं, किसी और को। मैं कभी नहीं खेलूंगा। अच्छा आज देहरादून के बढ़िया बासमती का ऑर्डर दिया। क्या क्या वो बेटा? अरे क्यों मारा तुमने? अच्छा इसका जन्मदिन तुम्हें क्यों मारा? जिसे नहीं 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 मो मो आपका काम सीख रहा है इसलिए। मेरा काम? हाँ। क्या मतलब? आप जुआ खेलते हैं? जुआ? कभी पर्स आप गुंडा नहीं देखा? गुड़दौर में? हाँ हाँ गुड़दौर में, बताइए नहीं क्यों गए थे? तो काफी सच कहते कि आप जुआ खेलते हैं और आज रात भी जुआ खेल रहा था। अरे फिर गुड़दौर में लोग जुआ खेलने के लिए जाते हैं? तो फिर क्यों बैठा था? मैं तुम तो जानती हो मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करता हूँ, कुछ घोड़े पसंद करके बाहर भेजना था। हाँ मैं कट करता हूँ। तुम्हारे को बस दूसरे की बातों का बिगाड़ करती है, मेरी बात करनी करती माफ कर दीजिए, आपके बारे में मैं क्या क्या सोच लिया था। अच्छी बात है, माफ कर दिया। बाबूजी मैं तो बैठे बैठे थक गया, यहाँ कोई बच्चा नजर नहीं आता। मैं भूल गया था, मुन्ना के लिए मास्टर लाया हूँ। मास्टर? पढ़ाने के लिए। आइए मास्टर जी। अच्छा बेटी तू जीती रहो, जीती रहो। अरे आप दोनों। बाबूजी मैंने इसको पढ़ाया है,
और अब इसके बच्चे को भी पढ़ाऊंगा। यानी आप हमारे कुलगुरु हो गए। आपको पढ़ाए बगैर कैसे कुलगुरु बन सकता? ठीक है, लेकिन मैं आपके शागिर्द का शागिर्द हूँ, यानी ये मुझे पढ़ाती है। बाबूजी घरवाली घर की गुरु होती है, उसके सलाह से सब कुछ बनता है और बिगड़ता है। माफ करना, आपकी ये पालिश जिंदगी और गाड़ी का छाट माट देखकर मैंने सोचा कि शायद आप भी कुछ काले सफेद का धंधा करते होंगे। मगर अचला को देखने के बाद मुझे अपनी अकल पे अफसोस होने लगा। बाबूजी, जहाँ ऐसी देवी होगी वहाँ पाप नहीं होगा, और जहाँ पाप नहीं होगा वहाँ कभी दुख नहीं हो सकता, समझे ना बाबू जी? मास्टर जी, आज रात को यही खाना खाइए, मेरे बच्चे का जन्मदिन है। इस वक्त मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी। और मेरा काला सफेद सूट तैयार है। काला सफेद सूट? हेलो मनोहर, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। किसने बुलाया? आज राजा साहब आ रहे हैं, तुमको उसके साथ खेलना होगा। हाँ, वो हमारे साथ नहीं खेलता क्योंकि हमें जानता है, इसलिए हमने उसे कह दिया है कि कलकत्ते से मिलोनर आ रहा है। और वो मिलोनर आप समझा, लेकिन आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मुझे जल्दी जाना है। बच्चे का जन्मदिन तो कल भी मनाया जा सकता? लेकिन जी आसानी कल नहीं आएगी। बहती गंगा में हाथ धो लो प्यारे, हार गए तो हमारा और जीत गए तो आधा आधा। टिकट आपकी तरफ क्यों नहीं देखता? झूठ बोल रहा है और कहता सबक याद हो गया, सच सच बता किधर देख रहा था। हाँ, अब सबक याद हो गया, व्यापार खेलने के लिए बुला रहा है ना। अच्छा जा, कभी झूठ नहीं देना। अचला देती, अच्छा मैं चलता। शाम को तो मुझे का जन्मदिन है। नहीं बेटी, घर में रूपा अकेली होगी। रूपा? रूपा कौन? एक अनाथ बच्ची है, पड़ोस में रहती थी। पहले बेचारी का बाप मर गया, 8 दिन के बाद माँ मर गई, मैंने उसे पाल लिया है, बस उसी की वजह से दुनिया में जिंदा हो गई थी। मास्टर जी, तो शाम को रूपा को भी साथ ले आने। रूपा को लाऊं? अच्छा बेटी। आपके मास्टर जी भी आगे आप जन्मदिन मनाओ ना। हाँ बेटे, फिर बाबू जी को आने दो। 2000, 4000, 4000, बहुत बड़े बच्चे लगते हैं। 100 दीजिए। 1, 2, 3 जैक पिंग पिंग रनिंग रनिंग 1, 2, 3 अच्छा देखी मिठाने को अभी तक नहीं है। आ जाएंगे, काम काज वाले आदमी हैं, किसी काम में रुक गए होंगे, बच्चों को तो खाना खिला दे। मास्टर जी, थोड़ी देर और इंतजार कर रहे हैं, वो आए बिना रह नहीं सकते। जो उनकी तमन्ना थी कि मुन्ने का जन्मदिन मनाए। बात यह है, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आज मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। मैं खिलाड़ी की नहीं मुसीबत होती है राजा साहब, इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 रुपए जीतकर चला दिया और हमें काम भी ना लगे। आपको कहा देना चाहिए साहब, ऐसी बात। ठंडा पानी बना दे, मुझे चाट लगी। भाई आप नहीं पिएंगे तो हम भी पीते। शराब पीता नहीं राजा साहब। लेमन तो पियोगे ना? मेरा खाद को लेमन तला दी। लेमन नाम लेमन स्पेशल अभी ला अगा अगा 2000 2000
नाश्ते को तो खिला दे बेटी, बहुत देर हो गई है। फिर से नाश्ते दे। चलो बच्चा। केस कुछ अजीब सा है ना? शास्त्री बनी। चलिए। और नलिन ले। 500। इधर बर्फ डाल के देना, इधर मीठा नहीं लेना। जूनियर, एक और बर्फ ज्यादा। आइए। 500। चार हजार। आठ कोशिश कर रहे हैं राजा साहब, कुछ आप ही जीत जाए तो समझ में आती। शो कर दीजिए। ओ बस बस अब अरे और खेलिए राजा साहब, और हम 11 बज चुके हैं आपने। थैंक यू सर। अरे बड़ी देर हो गई हूँ। नहीं ओ मेरा हिस्सा 7,000 रुपए। क्या हो रहा है, मजा नहीं आ रहा? इतने में नॉर्मल। नहीं, पैसे नहीं दोगे? लाओ एक लेमन नॉर्मल। जीने एक लेमन नॉर्मल। माय वाइफ ने क्या करेगी वो कहीं से करते मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता बेचारी। मैं कुछ भी करूं कभी कुछ कुछ कहती नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है बेचारे, मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं इस सब में क्यों ले जाऊं? अरे आज मेरी बीवी का बर्थडे, आज 4 बरस की हुई। देखो आज मेरे बच्चे का बर्थडे, फिर भी मैं तुम लोग ले ले जाऊंगा। मैं और मेरी बीवी ले जाएंगे। करते हैं ले ले। मेरा शहर बीवी है कि बीवी का? मैं बीवी का शहर, बीवी का शहर मैं हूँ या मैं? चलो आज फाटवा का चाहो अखिला अखिला तुम लोगों ने बोल बोल के डराया, वरना मैं नहीं करता हूँ। अखिला सोच तो मैं तुमसे करता हूँ। अरे कहाँ आया? नहीं मेहमान है मनोहर दादू, हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के पार्टनर। तुम्हारे जन्मदिन मना रहा है। अच्छा तुम का स्वागत क्यों करती? मेरे मेहमान, तुम्हारे मेहमान, तुम्हारे मेहमान, मेरे मेहमान। तुम नाराज हो? मैं देर से आई, तुम नाराज हो? देखो तो बदला, मैं मेरे इसमें कसूर नहीं है। ये लिली और मनोहर दाल बोलो ना, बात बोलो ना। हाँ भाभी, मेरी गलती थी।
दरअसल बात क्या हुई थी कि राजकुमार आ गया था, 60,000 रुपए की बात थी। आह, तुम्हारे घर वाले ने भी क्या तकदीर पाई है, क्या चाल चलता है भाई? आजकल आकर जन्म दे रहे हैं, अरे बात करो, खाना खाओ, क्या बकबक कर रहा है? थोड़ा नहीं, ये बात चले ठीक है, दिल्ली कौन पाएगा? गोपी गोपी सोडा सोडा, अभी तो यार शराब पीते बाता में नौकर होकर मालिक से सवाल पूछता है, गेट आउट, सीधा चले जाओ बाहर गेट के। अकेला का जन्मदिन है? अरे नहीं, मुन्ना का जन्मदिन है। हेलो, अरे मुन्ना का वो सो रहा है। सोचा तो उठाओ उसे, हमारे दोस्तों से मिला, मैं लाता हूँ उसे। मैं ले आती हूँ मुन्ना को। ले ले प्लीज, बेडरूम में सो रहा है, तुम उसे अपना घर समझे, सीधे चली जाओ। तुम जाओ रे, उसके बाद मत सुनो। बाप को इशारा किया, बाप बाप क्या बाप, क्या बाप को, इस घर के बाप को क्या जानती हो? ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हक है, मैं बीवी का गुलाम नहीं हूँ। समझो, जाले अंदर जाओ, मुन्ना को मुन्ना का बच्ची। हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, तो मुन्ना के बगैर की तो खुशी मना सकती थी, नाच सकती थी, गा सकती थी। अच्छा अच्छा, आओ गाना गाओ। नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुमको गाना पड़ेगा। छोड़ दीजिए, आज आपकी गा लीजिए। अच्छी बात, हम ही गा लेते हैं, आओ। कल रात उसने आपके साथ बदतमीजी की थी। अच्छा, बदतमीजी की थी? हाँ, उसने सच बात कह दी कि आपने शराब पी थी। ओह, अच्छा अच्छा, बात यह है कि कल रात दोस्तों ने मुझे लेमन के धोखे में शराब पिला दी। तुम तो नाराज हो गए, मैंने जान के नहीं थी। ऐसी बात है, मुझे माफ कर, कभी नहीं दूंगा। विश्वास करो, विश्वास करो, मैं तुम्हारी करता हूँ। दत्तों को देर रही, मैं करता हूँ। कौन से दफ्तर में जा रही हो? कौन से दफ्तर यानी? तुम तो ऐसे पूछ रहे जैसे मैं कोई जुए खाने में जा रहा हूँ। आप वहां क्यों जाएंगे? आप तो एक्सपो के रिपोर्ट के दफ्तर में जाते हैं। हाँ, वहां तो लिली भी है। कौन सी लिली? अभी तो मैं आपसे पूछ रही थी। तुमसे कितने कहा? आपने कब? कल रात को। हाँ, वो लिली, हाँ हमारे दफ्तर में है सेक्रेटरी। आप फिर झूठ बोल रही थी। क्या झूठ? ये क्या, ये कौन तरीका है? इससे भी आपका साथ लाए थे। मैंने ये कल साथ, हाँ हाँ, दफ्तर के रुपए शायद गलती से साथ आ गए होंगे। अच्छा, क्या तुमने संभाल लिए? ये दफ्तर के लिए बेईमानी करते हैं। क्या बेईमानी? बेईमानी नहीं करते, आप झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, और चूंकि कसने खाकर मुझे विश्वास दिलाकर धोखा भी देते हैं, क्या ईमानदारी चाहते हैं? अच्छा, मैं दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जानबूझकर सब कुछ कर रहे हैं?
जान बुझ कर नहीं मजबूर होकर। क्या मजबूरी खाती है? ये रुपया जिससे इंसान दुनिया का हर सुख खरीद सकता है। हराम की कमाई से आप अपने बच्चे की जिंदगी में पाप का एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिसके बाद प्यार का कुछ नहीं छूट जाता। ये धन है, ये रुपया है, चला रुपया है, और रुपया हराम हलाल का नहीं होता। मर्द को दुनिया में कितनी कश्मकश करनी पड़ती है, चार दीवारी मरे तक तुम औरत की कभी नहीं समझ सकती। आज नहीं तो मैं किस लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए। कोई बात ये नहीं देख सकता कि उसका बेटा दूध के लिए बिलकता रहे, खाने के लिए मोहताज रहे। और कोई माँ ये भी नहीं देख सकती कि उसका बेटा हराम की कमाई का जहर खाकर परवान चले। कल आपका महीना भी गले में चुभा था, बड़ा होकर वो भी आपकी बातें सीखेगा, आपकी तरह शराब की तरह आएगा, आपकी तरह आपकी बहू से कहेगा और नाच गाकर अपने मेहमानों का दिल बहला। आपको ऐसा अनुमति इसे आपके खुद पक्को करूँ मंत्री और मुझे नहीं करूँगी। आपके पैर पकड़ती रुपये वाला ही हमने पा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गए। हमें पागल हो गई हमारे जब भी सच्चाई के रास्ते पर चलती तो दुनिया वाले से पागल ही कहते हैं। लेकिन आप इस रास्ते में नहीं चल लेना कि नहीं चल ले। मौत के धमकी देना आसान है अचला, लेकिन मरना बहुत मुश्किल है। यार जो राज दीदी से छुपाना चाहता था वो खुल गया, खुल गया। अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ? एक दिन तो रात खुलना ही था। यही तो मैं नहीं चाहता था। अरे वो कहती इस बुरे रास्ते से पैसे कमाओगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे यार मेरी दीदी भी शुरू शुरू में यही कहा करती थी तुम मेरी दीदी को नहीं जानते यार, सचमुच घर छोड़ के चली जाऊ। अरे हसी और क्या हसी धमकियां देती है, और मेरी बीवी ने भी यही धमकी दी थी। तुमने क्या किया? मैंने अपना रास्ता नहीं बदला, उसने अपना रास्ता बदल लिया। यानी मान गई, मर गई। मैं बहुत सुखी हूँ।
भूख ही मरेगी तब खुद वापस आ जाएगी। सच्चाई से चलने वाले दुख सुख की परवाह नहीं करते बाबू जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप इस रास्ते को छोड़ दीजिए। मैं इस तरह किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ मास्टर जी। जिस तरह वो घर छोड़कर गए उसी तरह वापस आए तब मैं बात करूंगा। कभी नहीं आएगी। मैंने कहा ना बेटा नहीं आएगी। तुम सुने मैंने कहा बेटा सो जा। मैंने कहा ना बेटा तुम्हारी माँ नहीं आएगी। तुम सो जा। चुप रहता कि नहीं। कैसे बताऊं बेटा, इसीलिए तो तुझे यहाँ ले आया हूँ। कम से कम मेरे लिए नहीं तुझे वापस आ गया।
जहाँ ज्यादा आफत होने लगे वहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए, नहीं तो जाओ भगत होने लगती है। आपका घर है, ये तो आपका अपना घर है। ठीक है फिर जी, क्या बात है जी? जी मैं कह रहा था मुझे सुबह स्कूल जाना है। गाँव में रहना है तो काम ढूंढना ही पड़ेगा। काम? हाँ हाँ हाँ, यहाँ रहते आदमी जाता है। आते बाबा, आता हूँ आता हूँ। क्या बात है, ये कौन से रिश्तेदार है तुम्हारे? रिश्तेदार बुरी
मासी की ताती की बेटी की अब ऐसा झूठ कभी नहीं बोलूंगा। ने भगवान से घर से देखे अब तुमको अपने दफ्तर में लिखा पर देखी है कहाँ जा कहाँ जाओगी
मालिक होता है अपना दाना पानी यहाँ से किया। ऐसा है कि अंदर ही जाने दूंगा। अजी आपकी सेवा में फर्ज लेकर आया हूँ। अजी कहूँ क्या, दुनिया है कि धनवान बनती जा रही है। सरकार अपनी आप से देख लीजिए, हमें भी तस्वीर समझा दीजिए कि हम भी बाल करवा लें और मोटर में बैठ के आपके बाल बच्चे को धुलवाए लें। लाला कोई अपना राज किसी को नहीं बताता। अजी अजीब है तो आप ही वो तो तुम अपने, मैं तुम्हें टिप देता हूँ। हाँ टिप एक से सौ बना लो। एक से सौ? अजी सरकार आप ही दाता मेरी धन दाता है। गलत गलती बोलो सरकार। इस बार तो रेस से चले गया, खरीद खरीद लिया। किस नंबर का? किस नंबर का? छह नंबर की रेस, आठ नंबर का बोला। छह नंबर की रेस आप देखना जी क्या कमाल अपनी दुकान बेच रहे। अभी सरकार आप दुकान बेचने की बात करती हो, मैं अपने आप को रेस चक्कर लगा दूंगा। छह नंबर की रेस, आठ नंबर का बोला। छह नंबर की रेस, आठ नंबर का बोला। मैं मर गया, बर्बाद हो गया। मुझे मैं मोटर में बैठना चाहता था और आपने मुझे गुस्सा से बिठा दिया। क्या हुआ लाला? कुछ नहीं हुआ। हुजूर होने वाली थी, जल के खाक हो गए। बदला देता वो भी खत्म हो गया। हुजूर आपने कौन से गलत का बदला लिया मुझसे? लाला ये याद है, मैं तुमसे एक दिन देश में चावल उधार मांगा था और तुमने नहीं दिया। लेकिन सरकार एक दमड़ी नहीं देता था, चाहे चमड़ी चली जाए। अरे भैया आपका ना दमड़ी रही ना चमड़ी। हसी कहता था वो गंजा मास्टर, ये काम करना अपना धर्म है और कैसा आता है किस्मत। हे भगवान अपनी किस्मत भी सीढ़ी की तरह चमका दी। अच्छा बेटी बधाई हो, लड़की मुबारक हो। साँच बराबर पतली, झूठ बराबर पाप, जाके जिंदर साँच बसे, काके जिंदर आप। इसका मतलब क्या मामा? इसका मतलब ये है बेटा, झूठ कभी नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। सिर्फ सच ही भगवान है, समझे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खाऊंगा
लगता है। अरे क्या हो रहा है? युवती को राजू ने मुझे पत्थर मारा। राजू क्यों पत्थर मारा? रे पत्थर नहीं मास्टर जी, कलाकन मारा। कलाकन? ये कलाकन है? पूछ लीजिए ना ऐसे मास्टर जी, मुझे खिलाने लायक मेरे जन्मदिन पर। अरे बेटे क्यों झगड़ते रहते हो? पराया धन है, शादी होगी, चली जाएगी अपने घर। चली जाए ना, चली जाएगी। कर दो ना मास्टर जी इसकी शादी, कार की तरह लंबी होती जा रही है। हाँ बेटा इसकी शादी तो करूंगा, लेकिन तू तो इससे बड़ा है, पहले तेरी शादी हो। मेरी? हाँ मैं तो जब शादी करूंगा जब मेरे घर की शादी हो जाएगी, लक्ष्मी बड़ी हो गई है ना। अरे वाह, तू तो सियाना हो गया है। अचला सुना तूने? बात तो सच कहता ना, फिर कर देना वाले की शादी। शादी ऐसे थोड़ी हो जाती है बेटा, इसके लिए बहुत बनाना पड़ेगा, लड़का ढूंढना होगा। लड़का? लड़का तो नहीं घर में। घर में कौन सा लड़का बेटा? सर जी मेरा दोस्त। मेरा मतलब है अच्छा आपके बेटे सर जी से अपने बेटा बनाना चाहते। मेरे बेटे सर जी को मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ, बड़ा भाग्यवान हूँ। अरे सर जी की माँ, ओ संजू जी माँ। क्या है? अरे घर में ही जीके चिराग जला। कौन सा तुम्हें तो खजाना मिल गया तो भी चिराग जलाओ। अरे साहब लक्ष्मी घर में आ रही है, अपने सभी का सजन आया। हाँ बहन हम लक्ष्मी की सगाई लेकर आए हैं। हम ऐसे गैर जुट रहे हैं जो इसकी बेटी को अपनी बहू बनाया, जो हमारे घर में बर्तन मारती थी। छोटा काम करने से आदमी छोटा नहीं होता बहन, छोटा कर्म करने से होता। ये नसीहत अपने पल्ले बांध रखो। तेरी मत मारी नहीं तो तुम्हारी मारी गई है। ये दिल्ली सोचा कि बहन में दे दी क्या? लड़के की शादी बेहतर साफ करनी है, मुझे बच्चे की कौन सी कमी है? तुम मत बोलोगी। सुन लो, अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे सभी के साथ करनी है तो 15,000 ना 100 बोले सोना देना होगा। कहो मंजूर है? मेरे पास तो सिर्फ जिगर का टुकड़ा है, किसी आशीर्वाद देकर पिता कर सकती हूँ तो ये शादी नहीं होगी। शादी जरूर होगी, इतनी अच्छी माँ की बेटी तुम्हें नहीं मिलेगी। संजय जी माँ मैंने शगुन ले लिया। मैंने शगुन ले लिया है, ये तो बता कन्यादान कौन करेगा? लक्ष्मी का बाप करेगा, और कौन करेगा? बाप को कहा, क्या कहती हो? सब कहती हूँ माँ, मैं सिंदूर भरती हूँ, गाँव में रहते हुए 15 बरस हो गए, दीदी घर वालों में भाका तक नहीं। लेकिन लक्ष्मी, लक्ष्मी से कहते हैं वो पत्थर पत्थर पटक रही मांग रही है। अगर हो गए ना माँ, नहीं बेटा सगाई नहीं। लेकिन कर भी कहते थे लक्ष्मी को चले। कर भी तो माँ ने इनकार कर दिया बेटा। क्या कर दिया? किसने? इसलिए कि हम गरीब हैं, हमारे पास दहेज में देने के लिए कुछ नहीं है बेटा। मास्टर जी अगर झूठ से बोलना था तो मैं अपना घर छोड़ सकती हूँ। दहेज की कोई बात नहीं बेटा। मास्टर जी राजू को सच बात बता दीजिए, अभी बात सच्ची की मैं सारे गाँव में ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है मैं बेटे, सर्जू की माँ ये जानना चाहती है कि तेरे बापू ने तेरी माँ को घर से क्यों निकाल दिया था। क्या घर से निकाल दिया? क्योंकि मैं तुझे कहते थे बाबू जी शहर में पैसे कमाने गए और उनको आने का वक्त भी मिलता है। लेकिन तुझे मैं कैसे बता दूँ कि मैंने काम से पैसा कमाना शुरू कर दिया था, इसलिए खुद घर छोड़कर चले। कहीं वो तुझे भी अपने काम में सिखा दे। आज सेना पर स्कूल जा गए, अगर लक्ष्मी की शादी की बात ना आती तो शायद सारी चीजें गुजर जाती। तो क्या दादा जी ने सेना ग्रस्त खड़े की कोई परवाह नहीं थी? तुम्हें खबर तो थी नहीं? इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं बेटा, शादियों को पैसे कमाने की भविष्य हो जाती है, उस
उससे बुरा भला कुछ नहीं दिखा देता। लिखने की शादी करते होगा मां, कुछ नहीं देता। तुम फिक्र मत करो मां, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं रुपये कमा कर अपनी बहन की शादी करूंगा, भेज भी मैं दूंगा। अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरा बाप मुझे मिल जाए तो मैं सब पूछूंगा कि देख पता सा इसलिए कमाते हैं कि अपने बच्चों को फिक्र रखे। मैं आगे साथ जाऊंगा माँ, बच्चे का जरूरी है, तुम्हें मेरा डर किस बात का है माँ? तुमने भी पूरे काम से पैसा कमाना शुरू कर दिया, विश्वास नहीं, मैं तेरी गोद में चलकर बड़ा हुआ हूँ, मैं तो फिर काम नहीं करूंगा, मुझे ढेर सारा तुम्हारा, मुझे शहर जाने दो, मुझे शहर जाने दो, मैं तेरी सामने नहीं जाने दूंगी, तुम्हें फिर कैसा होगा? वक्त के साथ साथ तुम्हारी याद भी चली जाएगी, लेकिन चल ही जाती, इसलिए तुम मुझे यकीन है तो मैं इतने दिन चली नहीं लगी। मन तो मन में चली जाती, इसलिए मुझे लगता है कभी शहर में जाकर वो बदल नहीं जाए। वो कभी बदल नहीं सकता देती, उसे जाने दो। लेकिन कब तक उसे कैद करते रहते, कब तक उसकी दुनिया की हवा से बचाती रहती? अरे देखिए वो सच सची क्या जिसकी रक्षा करनी पड़े, उसे जाने दो, वो नेक है और हमेशा नेक है। अगर आप कहते तो जाने देती हूँ, जाने देती हूँ, मेरे दिल में घबराने की कोई बात नहीं देती, घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हें क्या करेंगे? दादा के घर से लक्ष्मी की शादी करते हुए रूपा, रूपा तेरी आंखों में आंसू। अरे फजीत, मैं हमेशा तेरे फिर जा रहा हूँ, देखो मेरे देव मांगना क्या? हाँ तुम्हें जल्दी लौटा हूँ, मांगे लेकिन क्या शहर में जाते आते ही बदल जाता। मैंने बदल दूंगा रूपा, यकीन करें। हाँ इसे भरोसा रखो, मैं कभी नहीं बदल दूंगा। ईमानदार को मैंने नौकर रखा था, आज मैं खुद उसका नौकर हूँ।
काम मेरे साथ हुआ। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। देखिए मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट। मैट्रिक का सर्टिफिकेट और वो भी फटा हुआ। शहर में आकर करना आया था। किसी शरीफ बाप के बेटे मालूम होते। अच्छा तुम्हें नौकरी का रख लिया गया। तुम रहते कहाँ? नमस्ते।
अंदर समझा रहे तुम्हें ऐसे कपड़े मत पहना करो। कपड़े नहीं थे मेरा मतलब ऐसे कपड़े मत पहना करो, अच्छे कपड़े पहनो। जैसे साहब मैं हरी आदमी हूँ, जैसे दूसरे का तनखा मिलते हैं और मुझे हर बच्चा से घर में पढ़ते हैं क्योंकि मेरी बहन की शादी होने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, और कौन है तुम्हारे? मेरी माँ है, छोटी बहन है। और बाप है तुम्हारा? जी ये हिंदी कहानी है, अपना ही कुछ अच्छा। सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं तुम्हारी तनख्वाह 500 कर दूं। राजकुमार आज से तुम इस कंपनी के कैशियर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे वहां बैठे नहीं साहब, मालिक के सामने अच्छा नहीं लगता साहब। ये कपड़े बिल्कुल नहीं चलेंगे। चलेंगे लेकिन मैं चाहता था कि चलेंगे साहब। मैं जब के साथ रहता हूँ और अगर अच्छे कपड़े पहनने लगे तो शायद इसे अच्छा नहीं लगे। जितने तक जी दिखता है नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। जैसे मैंने इस लड़के को अपने कंपनी का कैशियर बना दिया। ये बहुत अच्छा किया साहब, रखा बड़ा ईमानदार है। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके रहने का बंदोबस्त तुम अपने पुराने मकान में कर दो। पुराने मकान? लेकिन साहब वो तो आपने छोड़ दिया था। मैं अब भी किराया देता हूँ। चलो चलो कर पहुंचा दे। नहीं साहब मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं वहां जाऊंगा तो मेरी दीदी भी याद आएगी, एक छोटा सा मिलना याद आएगा और वो रात कर दे। राजकुमार आपने बुलाया था? हाँ अकेला था तेरे तक तेरे से बेकार बातें करें। बैठे 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 घर रहता था। राजकुमार आज सुबह जब मैंने तुम्हारे बाप के बारे में पूछा तो तुम कुछ परेशान कर गए बात क्या? आपने नहीं पूछे तो अच्छा। चलो सुनो मुझसे कुछ छुटा है, तुम मुझे अपने घर से बैठा। क्या तुम्हें बाप के नाम से कदर नफरत है? किसका तक तुम्हें पसंद? बाप तो ये होता है जो अपने बच्चे के दुख सुख को अपने दुख सुख समझे। इसे बाप नहीं कहते जो दौलत के लिए अपने बच्चे को ठुकरा दे। बिल्कुल ठीक। क्या कहता तुम्हारा बाप? मैं जानता नहीं। उसका नाम भी नहीं जानते? नाम तो यही है जो आपका है। जी हाँ, लेकिन कहाँ आप धर्मात्मा आदमी और कहाँ वो। लेकिन राजकुमार तुमने कहा था ना तुम्हारे तुम्हारे बहन भी है। जी हाँ बहन है, माँ है। तो फिर शिक्षक तुम्हारी सजी रहे हैं? जी हाँ सजी रहे हैं। तुम जा सकते होता तो शायद इतना डर ही होता। अच्छा क्या जिंदगी फिर अपन से मुलाकात नहीं होगी? जवान देते थे रखते क्या माँ को काम करना चाहिए और मास्टर जी की नौकरी भी छुड़वा था। उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। शहर में आदमी को बहुत रुपया मिलता है, मेरी भी तनख्वाह 500 रुपया हो गई है। मेरा सेठ मुझ पर बहुत मेहरबान है, तुम कोई चिंता नहीं करना। अब मुझे मकान भी मिल गया है, तुम्हारा राजू मेरा पता राजकुमार रामकली मकान नंबर 5 रामकली मकान नंबर 5। मुझे लगता है राजू मुझसे मिल गया है। अरे बाप बेटा मुझे माँ को पता राम जल्दी मकान नंबर मंदिर आपसे फिर आते मिल जाओ। विश्वास नहीं करना चाहिए दीदी, मैं मुझसे
पड़ा है, तेरी बोझ में पड़ा है, कभी कोई बुरा काम नहीं कर सकता कभी। नमस्ते मैंने तुम्हें अच्छा लड़का समझकर अपना टैक्सर बनाया। मुझे नौकरी से मस्ती जाने चाहूंगा, मैं दिमाग से दिन खत्म, मैं कभी जीवन से लूंगा। अभी तक अपनी बात के दर्शन तक
हूँ लेकिन देखता भी हूँ। इनका इन बातों से क्या वास्ता? इनका इन बातों से क्या वास्ता? राजू तुम मेरे पियाने लाता था और मेरे साथ घर चला। ये तुम क्या कह रही हो मैं? लक्ष्मी का ब्याह कैसे होगा? लक्ष्मी अगर बात के बिना जी सकती थी तो तुम्हारी मर भी सकती थी। माँ मैं तुम्हारी माँ को समझा देता हूँ। तुम ड्राइवर से कहते मैं क्लब नहीं जाऊंगा गाड़ी वापस करके। एक
के लिए दुनियादारी को बिल्कुल दुनिया का मुकाबला तो हम मर्दी को करना पड़ता है। आज से 16 बरस पहले जब तुम बच्चे थे हम लोग दाने दाने से साथ रोटी कमाने के लिए मैं दर दर के ठोकरे खा रहा था। जिस तरह अपनी बहन की शादी के लिए तुमने दर दर के तुम तक में इंसानियत तो कायम है ईमानदारी जाने के लिए मेरी माँ का क्या होगा? राजू मैं तुम्हारी माँ को समझाना चाहता था लेकिन ये मुझे छोड़ कर चल गया। तुम आ गया अगर तुम समझाओ इतना रुपया लाया है एक निश्चा तक क्या और एक गाँव को भी खरीद सकती है। माँ को खरीदना चाहता है। माँ ये रुपया बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है किसी आया है किसी मेरे बाप से इसलिए छोड़कर चली गई थी किसी रुपया कमाता था इसलिए छोड़कर चली गई थी हराम का था। माँ ये रुपया है रुपया रुपया हराम हराम का नहीं होता ये ले मुझे शादी कर दे। हाँ मैं करा राजू राजू मतलब संजय राजू मैं चाहता हूँ जब बात कितना है मरीज का देखा तभी कर सकता वही जो मैंने तुमसे एक दिन कहा था। खैर आज का दिन तुम्हें अच्छी तरह याद रहेगा आज राजू का जन्मदिन चाहता था कि आज के दिन तुम यहाँ चली गई थी अगर आज के दिन पति न पी से लेता था और आज एक बेटा अपनी माँ को लेकर ये गलत ये तुम्हें नहीं आ रही आओ मेरे पास तुम जरूर आएगी मेरे लिए नहीं तो राजू के लिए तेरे यार अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकती और हर चीज के बिना रह सकती लेकिन सबके बिना नहीं आप जो यहाँ से कहीं नहीं जाते
हर शादी वो साथ मिल जाएगी। अभी टाइम है क्या? जिस दिन आए थी लहंगी गाना गाने और आज आइए गाने देते हैं फिर वसूल करने। मैंने तो कहा था कि मैं 10 बजे तुम्हारे घर आ जाऊंगा।
दान करना अपना धर्म है और पैसा आता है किस्मत से। मजार मेरे घर में जान दी जाती है।
जाएगा और कहूंगी आप राजू की शादी
पानी वाला से कर दीजिए। समीर
तुमने क्या हाल कर दिया? हाँ मुझे तुमने कुछ नहीं कहा, बात थी। तुम्हारा कतीजा, अरे वो धनदास इतना बड़ा तुम थे कि हमारी गर्दन काटने के लिए उसने अपने गले में फंदा डाल दिया। क्या हुआ? दावा था गलत चला के रहे मारे कि राउंड तुम्हारा बाप जेल में चला गया। जेल में चला गया किसने? उसी से पूछो ना। अरे मेरा मोर्चा देखते हो नहीं चल जाओ। ये अंकता कह रहे हैं? अरे तुम से तो कह रहा है इसका मतलब कि तुम रानी वाला तुम शक्ल देखिए अपनी आई में। अब आप जाएंगे आप तो भी तुम जबकि काफी पाला जाए। अच्छा जी आप तो श्रीफ आदमी आइए तस्वीर लाइए। अगर आदमी को कुछ बचा सकता है